नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ये जो मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर जो मोल्डिंग होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यस, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा है मोल्डिंग के बारे में, आपके कमेंट्स नीचे आते हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्ट भी पड़ी हुई है। वुडन टाइल के ऊपर लोग मांग रहे हैं, क्वार्ट्स के ऊपर मांग रहे हैं, बांसवाड़ा मार्बल के ऊपर वीडियो मांग रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे सभी चीज का आपको नॉलेज दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आपको भी कोई भी वीडियो अगर किसी चीज की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज मैं मोल्डिंग के ऊपर बात करूंगा। आप देखिए नीचे ये सैंपल मेरे टेबल पे पड़े हैं, आप देख सकते हैं ये सारे मोल्डिंग के हैं। आप एक आपको मैं एक ऐसा पत्थर बताना चाहूंगा जिसको अगर आप कटिंग करते हैं अपन फ्रेम के अंदर इसकी मार्बल की या ग्रेनाइट की जो फ्रेम बनाते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग ये देखिए अभी ये इसकी ये धार होती है, ये धार सादा धार है, ना इधर से इसको मोल्ड किया है ना इधर से इसको मोल्ड किया है और इसका कलर भी ऐसा है। लेकिन अगर इसको अपन मोल्ड कर देते हैं तो देखिए आप ये इसको अपन ने फुल राउंड मोल्डिंग कर दिया है और ये वर्टिकल खड़ा करने के लिए बनाते हैं ये इसको फुल राउंड मोल्डिंग बोलते हैं। ये हैंड मशीन से भी इसकी मोल्डिंग होती है और इसकी ऑटोमेटिक चाइना से मशीन आती है उससे भी ये मोल्डिंग होता है। तो ये है अपना फुल राउंड मोल्डिंग। मैं इसके रेट भी आपको क्लियर करूंगा। फुल राउंड मोल्डिंग के अंदर इसका जो दरवाजे की फ्रेम के ऊपर या किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लगाते हैं फुल राउंड मोल्डिंग का, शायद यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो आपको फुल राउंड मोल्डिंग था ये देखिए ये इधर दिख रहा है, ये फुल राउंड मोल्डिंग इधर साइड से आप देख सकते हैं, ये पूरा फुल राउंड मोल्डिंग हुआ है और फिर ये पॉलिश हुआ है। अगर इसको पॉलिश नहीं करते हैं तो वो उसका धार खराब दिखता है, लेकिन ये मोल्डिंग होने से हाथ में नहीं लगता है। इसी प्रकार का हाफ राउंड मोल्डिंग भी होता है, आप ये देख सकते हैं ये पट्टी जो देख रहे हैं इसके अंदर हाफ राउंड है, इसको हाफ राउंड मोल्डिंग बोलते हैं। आप देख सकते हैं इधर से आधा ही हाफ हुआ, इधर से पूरा नहीं हुआ है और ये हाफ राउंड मोल्डिंग है। इस हाफ राउंड मोल्डिंग में और अगर इधर बाहर अपन दरवाजे की फ्रेम के ऊपर जो फोटो फ्रेम बनाते हैं तो ऐसा कट मारते हैं। आप ये देखिए ये कट है, ये डिजाइन बनाया है, ये साइड से ऐसा कट मारा हुआ है, ये हाफ राउंड मोल्डिंग है और आप देख सकते हैं इसको ये हाफ राउंड कन्नी कट हाफ राउंड इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक कट भी मार सकते हैं, इसके अंदर दो कट भी मार सकते हैं। अभी देखिए आप ये एक मेरे पास पीस है, इसके अंदर आप देखिए डबल कट है, या साइड से पहले दिखाता हूं, ये एक कट फिर ये दूसरा कट और आप ये नजदीक से देख सकते हैं ये डबल। ये सारी मोल्डिंग की अलग अलग डिजाइन है, ये डबल कट है। तो ये अपन जब भी प्लेटफॉर्म के सामने डिजाइन पट्टी लगाते हैं उसके ऊपर भी ये मोल्डिंग होती है। बहुत सारी मोल्डिंग में केवल पाटा मोल्डिंग है। अभी आप इसको देख सकते हैं ये पी वाइट का है, इसको अपन सी मोल्डिंग भी बोल सकते हैं। दोनों बाजू से मोल्ड नहीं हुआ। फुल राउंड में क्या होता है, देखिए फुल राउंड जो था ये सैंपल ये फुल राउंड था, लेकिन देखिए इसके अंदर फुल राउंड में और इसमें डिफरेंस है। यहां पर ये सी टाइप आ रहा है, यहां से पाटा है फिर ये है और फिर ये है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए आप ये पाटा मोल्डिंग है। यस, और किसी को मोल्डिंग नहीं करना है तो केवल धार पॉलिश करते हैं। देखिए ये इसकी धार को पॉलिश कर दिया, अगर इसकी धार को अगर पॉलिश नहीं करते हैं हम तो इसका कलर ऐसा दिखता है। अब देख सकते हैं इन धारों को पॉलिश नहीं किया गया है तो आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका कलर कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा हाफ राउंड फुल राउंड कन्नी का डबल सिंगल देखने के बाद में इसको डबल पट्टी को चिपका के मोल्डिंग किया गया है। ये भी बहुत सुंदर दिखता है, यहां ऐसे देख सकते हैं, यहाँ नीचे ये लाखा रेड का पट्टी है, ये ब्लैक चिपकाया है, इसको एरेलाइट से चिपकाने के बाद में देखिए आप इसको पॉलिश किया है और इसको ऐसा पाटा मार दिया है। जब ये फ्रेम में लगता है दरवाजे की फ्रेम में बहुत सुंदर दिखता है। और एक जैसे इसको पाटा किया था, इसको देखिए फुल राउंड इसमें पट्टी चिपका है। आप देखिए एक टेबल टॉप बन सकता है, दरवाजे के फ्रेम में भी लग सकता है। तो जब एक टेबल पे इस तरह से जब दो पट्टी चिपका के अगर ऐसा सामने से देखते हैं तो ये बहुत बड़ा झाड़ा पीस दिखता है और ये बहुत सुंदर दिखता है।
तो ये सारा अपना मोल्डिंग का मैंने आपको बताया है। अगर अभी इनकी रेट अगर आप पूछेंगे तो इनकी रेट का जो हैंड मशीन से हम लोग यहाँ अपने सारे जो दुकानदार होते हैं वो हैंड मशीन से करके देते हैं, तो अलग अलग मोल्डिंग का अगर एवरेज अपन देखते हैं तो 25 रुपीज टू 50 रुपीज पर आरएफटी इसका रेट रहता है, और जिसको डबल चिपका के करते हैं उसका डबल रेट रहता है, यानी कि वो 100 रुपीज तक उसका रेट रहता है, 50 का डबल कर देंगे तो ये जो मैंने आज मोल्डिंग का आपको नॉलेज दिया है, आप अगर अपने घर पर कुछ भी फ्रेम में लगा रहे हैं, किचन के प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं या टेबल टॉप पे लगा रहे हैं, तो आप उसको मोल्डिंग जरूर कराइए, जिससे आपको हाथ पे लगेगा नहीं, दिखने में सुंदर दिखेगा, भले थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च होगा लेकिन इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मोल्डिंग के अगर आप नाम देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको नाम आ जाएंगे, फुल राउंड, हाफ राउंड, कन्नी हाफ राउंड, कन्नी फुल राउंड, डबल कन्नी, डबल पट्टी चिपका के, पाटा, ऐसा बहुत सारा है। ऐसे चाइना से ऑटोमेटिक मशीन भी आती है जिसमें अनेक अलग अलग तरह की आपके हिसाब से अपन डिजाइन बना के दे सकते हैं, और उसमें पॉलिश भी बहुत शानदार होता है, उसकी थोड़ी रेट ज्यादा होती है। तो ये मैंने आज मोल्डिंग का वीडियो बनाया है, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और जरूरतमंद वाले को उनको शेयर करिए, और इसी तरह के सब्जेक्ट पर मैं और अनेक वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाऊंगा। देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।